अवकलन के बाद समाकलन हम प्रारंभ कर चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके प्रतिस्थापन संबंधी समाकलन के अभ्यास के क्वेश्चन कर चुके हैं, सीधे सीधे प्रश्न आपके थे। अब यहां पर जो प्रश्नावली 7.3 हम करने जा रहे हैं, इसके प्रश्न पूरे के पूरे जो है त्रिकोणमितीय सूत्रों पर जाकर बेस्ड हैं। इनका हल यहां पर प्रश्न नंबर 16 और 17 का हम कैसे करेंगे, आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखिए 10^4x dx, तो सीधे सीधे आपको यह पता है कि इस फलन का इंटीग्रल सीधे सीधे नहीं होता है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिकोणमिति सूत्रों की सहायता से इसको परिवर्तित करना होगा। तो जैसे सॉल्यूशन देखिए 16 का, इंटीग्रल ऑफ 10^4x dx, सबसे पहले इसको हम लिख रहे हैं, दो पार्ट में तोड़ता हूं मैं, 10^2x (10^2x dx। फिर से 10^2x का भी इंटीग्रल हमारे पास सीधे नहीं होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, 10^2x को एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, sec²x - 1 = 10^2x, ये आपने पढ़ा है तो इसका यूज कर रहे हैं इस 10^2x पर। तो ये हो जाएगा sec²x - 1 और बाहर से 10^2x dx। अब इसको अलग पार्ट में लिखने के बाद हमको मिल जाएगा sec²x (10^2x dx) और दूसरे पार्ट में -10^2x dx। इसको फिर से मैं चेंज कर रहा हूं, पहले वाले पार्ट को जो कहते हैं लिख करके 10^2x (sec²x dx) माइनस, इसको फिर से इसी फॉर्मूले से इंटीग्रल ऑफ sec²x - 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस वाले पार्ट में आप देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका है, इसके हम क्या करें, 10x = t रखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमको मिलेगा sec²x (dx) = dt। इस प्रतिस्थापन से ये वाला जो हमारा पार्ट है इंटीग्रल का, सीधे मैं लिख दे रहा हूं आगे, अगर मैं इसको i लिख लिया होता पहले, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 10^2x हो जाएगा t² और sec²x dx, ये dt है t²dt, और इसका इंटीग्रल हम सीधे से जानते हैं, इसको अलग से साथ ही कर देंगे, ये हो जाएगा sec²x dx और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ dx। तो यहां पर आपका घात वाला नियम हम लगाएंगे, जिससे ये हो जाएगा 1/3 t³, और sec²x का डिफरेंशियल आप जानते हैं 10x, और x का इंटीग्रल x हो जाएगा एक कांस्टेंट c आ जाएगा। t को अब प्लेस कर देना हमने, 1/3 t का मान 10x था, तो हो जाएगा 10³x - 10x + x + c, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 17 क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ sin³x + cos³x / sin²x (cos²x dx). सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ देते हैं पार्ट में, तो ये हो जाएगा sin³x / cos²x dx + cos³x / sin²x / cos²x dx। इसको सिंप्लाई करने पर आप देखिए, साइन की 2 घात यहां है और यहां साइन की 3 घात है, इसको हम लिख देते हैं। अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर से इसको काटते हैं, ऊपर क्या मिलेगा, एक साइन एक्स बच जाएगा, और नीचे जो कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स 1 × cos x (cos²x) हो जाएगा dx, और इस ओर देखिए एक कॉस से कॉस काट देंगे हम, तो cos x / sin x (cos x / sin x), एक साइन एक्स और बचा है और एक कॉस एक्स ऊपर बचा है, cos x हमारा 2 घात थी, तो कॉस एक कॉस के ऊपर घात बची, नीचे sin²x था आपका, तो एक आपका साइन एक्स यहां आ गया और दूसरा cos² x से cos जब कट गया है, तो एक तो cos बचा,
कॉस एक ही बचा ऊपर, तो वन बचा है यहाँ पर, वन अपॉन नीचे बचा है साइन एक्स के आगे, तो एक साइन एक्स बच गया, साइन एक्स डी एक्स। अब साइन बटे कॉस आप जानते हैं टेन एक्स होता है, टेन एक्स और ये सेक एक्स डी एक्स प्लस ये कॉट एक्स होता है तो कॉट एक्स हो जाएगा, और ये कॉस साइन का व्युत्क्रम कॉस एक एक्स डी एक्स। अभी सीधे सीधे फॉर्मूला है आपके इंटीग्रल के, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये किसका इंटीग्रल होता है, ये सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, इसका इंटीग्रल सेक एक्स होता है, और इसका माइनस कॉस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। तो ये दो क्वेश्चन आपके थे प्रश्न नंबर 16 और 17, और भी इसमें इस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको जो है त्रिकोणमितीय सूत्रों की सहायता को उसको ध्यान में रखते हुए आप हल कर पाएंगे, इनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।